तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर ना बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। कल भी वडेरों के डेरों पर इंसाफ को पांव तले रोन दिया जाता था और आज भी पंजाब के अक्सर इजला में पुलिस जमींदारों और इलाका वडेरों के इशारों पर नाच रही है और मजाक उड़ाया जा रहा है गरीबों की गुर्बत का, गैरत का, मायूसियों का और महरूमियों का। ये रोती तड़पती माँ है बक्कर की रिहायशी 15 साल आसिया बीबी की, वही आसिया बीबी जो भाई और भाभी के हमरा खेतों में काम कर रही थी कि अचानक उन पर क्यामत टूट गई। नाजरीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये वो खेत हैं जहाँ पर वो आसिया नामी लड़की, उसकी भाभी और उसका छोटा भाई वहाँ पर काम कर रहे थे और वहाँ पर और जिस जगह पर हम मौजूद हैं, अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके तो ये 7 घर हैं जुम्मन बलोच का, जिन्होंने इस वाक़े को खुद बचश्मे खुद देखा और उसकी वालदा ने भी देखा। क्योंकि यहाँ पर अगर कैमरामैन को मैं एक बार फिर तकलीफ दूंगा उसे दिखा सकूँ कि यहाँ से उस खेत तक पहुँचने में एक कठिन रास्ता है, एक गहरी खाई है, उसको क्रॉस करने के बाद ही वहां पर वो पहुंच सकते थे। यहाँ पर मेरे ख्याल वो खातून मौजूद है जिस जो सब मौजूद थी, क्या नाम है तुम्हारा? रुखसाना बीबी। अच्छा रुखसाना, ये बताओ जब वहाँ तुम लोग काम कर रहे थे तो कैसे वाक्य पेश आया, जरा तफसील से हमें बताए नाज़रीन को। सवेरे काम करेंदे बैठे ऐसे खेत में ते उठा 8-9 बंदे आए ना चल चेता न जड़ा ना डाका मार के ते उना चा खड़ी है, मेरी एक बहन आई ते एक भरा आई ओ नालन ते उना चा खड़ी है, सब शोर मचाए बों कियो किते गवांडियां नो को लस लाई उना असले दे जरी उना खौफ ना डराए। पहले 4 लोग आए, 2 बंदा उदे हाथा जो नाप की दे, 2 बंदा उदे लता जो नाप की दे, उदे कपड़े भी पाड़ की दे। लड़की के अगवा का ये वाकया पेश आया भक्कर के मॉडल पुलिस स्टेशन सदर की हदूद में। जरा जिला के इस वाहिद मॉडल थाना की कारकर्दगी मुलाहिजा कीजिए कि गुज़िश्ता 3 माह में इस थाने की हदूद से 15 से 20 ख़वातीन अगवा की वारदातें सामने आ चुकी हैं और हैरतअंगेज़ तौर पर पुलिस अभी तक एक भी लड़की को बाजियाब करवाने में नाकाम रही है। आसिया के केस में तो ऐनी शाहिदीन भी मौजूद है। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर काम हो रहा है, ये इस खेत का जो मालिक है, जमींदार है मोहम्मद अली शाह साहब, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस वाक़े को बचश्मे खुद देखा था। अली शाह साहब, आप इस वक्त इत्तफाक से किबला रुख खड़े हैं, आपने जो बात करनी है सही करनी है, इंशाल्लाह सच करनी नहीं करनी। आप बताइए कि ये वाक़या कैसे पेश आया था? मैं जनाब ये इतना काम करें वो इतना ताल बैठे मरे मेरे एक ठेके थे छोटे मजदूर हैं, उन्होंने को ठेका दिता हुआ, मैं इतना नलके थे पानी पीवन आया, इतना मैं काम वादा करे ना मिलाठिया वादा मरे नाम। अच्छा। कणक बीजनी आई, मैं जिस टाइम नलके दू पानी पीते नलके दू पानी पी के मैं रिठे ते दू आदमी भई दे आने मर्द, मैं रिठे भई क्यों भई दे आने, मैं उन्हां देर जल्द डिटे तो उन्होंने बच्ची आसिया शोधी बैठी है उसको ना 4 बंदा आके ते नप किता है, मैं टोटा परे आम बुढ़ा बंदा, मैं जिस टाइम भईदा उन्होंने कोल आया उन्होंने कोल पिस्तौल आई। जिस हालत नाल उठाया हुआ बड़े इंसान हैं उन्होंने बहुत बड़ी वी
अगर उन्होंने अपन धियां बेणा हो मैं उस टाइम याद आ रही हूँ न करके वजे ला। जहां मोहम्मद अली शाह ने मुलजिमान से झगड़ कर लड़की को बचाने की कोशिश की, वहीं खेतों के पास रिहाइश पजीर जुमा खान और उसकी वालदा भी शोर शराबे की आवाज सुनकर घर से बाहर आ गए। इसके बाद पुलिस को इतला दी गई। पुलिस मुलजिमान के घरों तक भी पहुंची, लेकिन पहला दबाव डालने के बाद पुलिस ने मुलजिमान के साथ साजबाज कर ली। सिर्फ यही नहीं, मकामी अवामी नुमाइंदों की सरपरस्ती मिल जाने के बाद मुलजिमान और पुलिस एक साथ खड़े हो गए। ऐसे में दो दिन में होने वाले काम को 2 माह गुजर गए, लेकिन लड़की बाजियाब ना हो सकी। जी हाँ, लड़की बाजियाब ना हो सकी। और दूसरी तरफ पुलिस ने केस का ऐसा रुख बदला कि अक्ल दंग रह गई। पुलिस के मुताबिक लड़की को अगवा नहीं किया गया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से गई और फिर उसी लड़की से निकाह कर लिया। पुलिस की इस निराली तफ्तीश के बाद कई सवाल खड़े हो गए। लड़की मर्जी से गई थी या उसे अगवा किया गया? निकाह हुआ या नहीं? अगर हुआ तो क्या लड़की की मर्जी से हुआ या गन पॉइंट पर करवाया गया? और कौन है निकाह खां, कौन है गवाहान? क्या लड़की की उम्र 15 साल थी या 18 साल? ऐसे कई और सवाल थे जिनके जवाब जानना जरूरी था। जुर्म बोलता है की टीम ने इस केस की तहकीक शुरू की तो एक और कहानी सामने आई। मुद्दई पार्टी ने इल्जाम लगाया कि मुलजिमान ने इससे पहले भी उनकी लड़की को अगवा करने की कोशिश की। इसी वाक्य के हवाले से आसिया का बड़ा भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं कि वो क्या वाक्य था। हाँ बताओ। रात 11 बजे से उसको उठा के ले आए। जब वो सड़क पर पहुँचे तो उधर पेट्रोलिंग पुलिस उनको मिल गई, उनको पकड़ लिया। उन्हें पकड़ लिया, फिर उनसे पूछा, हमारी बहन से पूछा कि आसिया बीबी से पूछा कि आप इन्हें रोजा से आए हैं या आप ज़बरदस्ती ले गए? उसने बोला कि मैं ज़बरदस्ती, मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए। क्या वाकई पेट्रोलिंग पुलिस ने उस रात को आसिया को मुलजिमान से बाजियाब करवाया या फिर ये महज मनगढ़ंत कहानी है? इस बात की तस्दीक के लिए जुर्म बोलता की टीम पहुंची पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट खानसर पर। जुर्म बोलता की टीम पेट्रोलिंग पोस्ट पर पहुंची तो इंचार्ज साहब मौजूद नहीं थे, जिस पर हमने इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस अताउल्लाह को कॉल मिलाई तो उन्होंने इस वाकये की बाकायदा तस्दीक की। 3:30 का टाइम था, ये टोल प्लाजा खानसर से पहले। जी जी, हमें शक पड़े, ये बैठे हुए तस्दीक से थे कि हमें शक पड़ा कि ये गलत जा रहे हैं। सही है। तो हमने इन्हें रोक दिया। 2 लड़के थे, उनका बाप था, एक उनकी माँ थी और ये एक लड़की। ठीक है। हमने रोक के उनसे पूछा तो वो अपने नाम वगैरह बताने से इनकारी थे। फिर जब पूछा तो वो लड़की कहती है कि लड़की जो साथ औरत थी वो कहती है मेरी बहू है। अच्छा। और मेरे बेटे की घर वाली है। तो फिर जब लड़की से पूछा तो वो कहती है नहीं, मैं तो के साथ आई थी लेकिन मैं घर जाऊंगी, इधर नहीं जाती। ठीक है। फिर मैंने जाके उनको साथ लेके मैं जाके इस लड़की को मैंने फोन किया और चौकी पे ले आया, जो जिले की चौकी है। सही है। मोहम्मद लुकमान सब इंस्पेक्टर था, उसके हवाले कर दी गए। और यूं पुलिस ने आसिया को वापस उसके घर पहुंचा दिया। इसके बाद मुलजिमान ने माफी मांगी और पंचायत के जरिए मामला खत्म कर दिया गया। अपनी मर्जी ना लाइए, क्यों सब फ्रॉड है सारा।
इस वाकये के बाद आसिया के बाप ने अपने खानदान को बचाने के लिए ये गांव छोड़ने का फैसला किया और दूसरे गांव में एक जमींदार के यहाँ मजारे के तौर पर काम करने लगा और उन्हीं की दी गई जगह पर रिहाइश इख्तियार कर ली। लेकिन मुलजिमान ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और 8-9 माह के बाद तौसीफ बलोच और उसके साथियों ने आसिया को फिर से अगवा कर लिया। जुर्म बोलता है कि टीम मुद्दे पार्टी के घर पहुंची तो जहां आसिया के माँ बाप भाई और भाभी का मौकिफ लिया वहीं अहले इलाका की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी जो दुख की इस घड़ी में इस मजलूम खानदान के साथ खड़ी थी। जुर्म बोलता है कि टीम इन सब अपराध की गवाहियां लेने के बाद अगले दिन पहुंची पुलिस चौकी खानसर में। हम चौकी के अंदर पहुंचे तो हमें ये देखकर हैरत हुई कि चौकी में ताले लगे थे पर एक भी पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था। आप देखें, मैं आपको दिखा सकूं कि ये देखें कि इस वक्त ताले लगे हुए हैं चौकी के कमरों में, एक इधर है एक दूसरे उस कमरे में भी ताला है। ये है महकमा पुलिस के हालात, ये है दूर दराज के थानों और चौकियों की असल सूरत हाल। क्या इन इलाकों में जुर्म का खात्मा हो चुका है जो चौकियों को ताले लगा दी गई? चलें, एक आध पुलिस अफसर किसी खास ड्यूटी पर किसी खास मीटिंग में हो सकता है, लेकिन कहां है बाकी का अंगा? यकीनी तौर पर सब अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे होंगे और दूसरी तरफ डाकुओं लुटेरों और अगवाकारों की मौजें लगी हुई हैं। हमने चौकी इंचार्ज को कॉल मिलाई और केस के बारे में बात करना चाही तो मौसूफ ने हस्बे मामूल टाल मटोल से काम लिया मगर शायद उन्हें पता नहीं था कि इतनी जल्दी उनकी जान छूटने वाली नहीं। दूसरे दिन जब मेरी टीम की चौकी इंचार्ज से मुलाकात हुई तो कैसे ये पुलिस अफसर लाजवाब हो गया ये तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मुल्जिम पार्टी का मौकफ जानते चलें। आखिरकार हम ये इंतहाई मुश्किल सफर तय करने के बाद मुल्जिम पार्टी के डेरे पर पहुंच गए, लेकिन डेरे पर सिर्फ खवातीन और बच्चे थे जिन्होंने हमारे कहने पर मर्दों की इत्तला की और फिर मुल्जिमान ने आते ही जुर्म बोलता की टीम को आड़े हाथों लिया। अपनी मर्जी ना लाइए, क्यों आ रहे हैं इतने लोग सारे झूठ लेने पे सब फ्रॉड है सर। 200 बंदा इकट्ठा थी कर गाड़ी चल रहा था फ्रॉड लेने पे हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्यों अगवा किया था। क्या गुलाम शबीर ये बताओ कि क्या वजह थी, तुमने क्यों अगवा किया लड़की को? हमने तो कोई नहीं अगवा नहीं किया। अच्छा, क्या किया था आप लोगों? मर्जी अपनी मर्जी से आई है। अच्छा जी हां, अपनी मर्जी से कैसे आई? क्यों उसको अपने बाप का घर अच्छा नहीं लगता था? आपने खावंत के साथ खुश रहना चाहती थी, वो उनको नहीं करते थे ना। क्या नहीं करते थे? उनकी शादी वादी वाला चक्कर आया था ना उनका। किसका? तौसीफ का। अच्छा तौसीफ कौन है? आप ट्रैकी में बात करो, कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा, तौसीफ के लगते थोड़ा बेटा है? मेरा बेटा है। अच्छा वो कितना है इस वक्त? वो इस वक्त पिंडी है। पिंडी है, पिंडी क्यों है? डर को कोई और के किस बात? अगर इतना डर था तो फिर अगवा क्यों की थी लड़की? अगवा कोई नहीं की, अपनी मन मर्जी से आई है। मन मर्जी से आई है कैसे? उसको चार लोगों ने उसके टांगों और लातों और हाथों से पकड़, किसी ने नहीं पकड़ा सर, किसी ने नहीं पकड़ा। खुद बखुद वो आई है, वो अपनी मन मर्जी से आई है। उस ये लोग खुद पर लगे किसी भी इल्जाम को मानने से इनकारी थे और जब हमने इनके सामने निकाह खान को कॉल मिलाई तो इस केस की असलियत का भांडा फूट गया। हमें नहीं पता कि उसका भाई कहां से लाया, किस तरीके से लाया। जो उसका भाई इधर गवाह है वो ले आया है। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं कि उसका भाई कहते हैं कि किसी किस्म का कोई निकाह नहीं है, जेली निकाह है। क्या आप हमें जिस शख्स ने ये निकाह पढ़ाया उसका आप हमें नंबर दे सकते हैं? उसे हमारे फोन पर बात करवा दें आप। नंबर भूल यार, आप कारी रशीद का आप हमारे साथ मुझसे बात करवाएं कि हमने निकाह पढ़ाया किस जगह का। देखिए ठीक है ना, तुम्हारा हक है। देखिए मेरी बात सुने, हम पार्टी नहीं है। आपने निकाह पढ़ाया है तो आपने कब पढ़ाया था? आपने तस्दीक करनी है इसकी। हाँ, किधर कहाँ बाहर गए हुए हैं? आप उनके बयान को छोड़े, आप ये बताएं आपने निकाह पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? जी नहीं, आपको नहीं पता आपने निकाह पढ़ाया? आपको इतना पता है कि उनके बयान हो गए हैं, आपको ये नहीं पता कि आपने निकाह पढ़ाया था या नहीं? आप इतनी बात नहीं कर सकते आप? नहीं, मुझे कोई याद नहीं है। नहीं, आपको याद नहीं है कि आपने निकाह पढ़ाया था? हैं? निकाह खान को तो कुछ याद नहीं और अब देखते हैं तफ्तीशी अफसर को कुछ याद है या फिर कैमरे के सामने उनकी याददाश्त भी जवाब दे जाएगी। पुलिस के पास जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसके मुताबिक लड़की की उम्र 18 साल बनती है जबकि लड़की की पैदाइश यूनियन काउंसिल गौरवाला की है और ये लोग वहीं के रहने वाले हैं।
इस यूनियन काउंसिल के इंदराज और बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक आसिया की उम्र 15 साल से भी कम है, जबकि मुलजिमान यूनियन काउंसिल खानसर के रिहायशी हैं और निकाह यूनियन काउंसिल डगर ओलक में दर्ज कराया गया है और इसको बालिग जाहिर किया गया है और आसिया का शनाख्ती कार्ड भी नादरा से बनवा लिया गया है। अब जरा निकाह नामे की कहानी भी सुन लीजिए। ने ये कहा है कि मैं इस निकाह में मौजूद था। नहीं, वो जो उसके पास पर्त निकाह होता है वो शादी वाला पर्त निकाह उसके पास तो पर्त पहुंचाया गया है ना, उसके पास पर्त पहुंचाया गया है, वो खुद तो वहां पर नहीं था। आपने कारी रशीद जिस शख्स ने ये करवाया निकाह पढ़ाया, आपने उसे तस्दीक की, आपने उसे पूछा था कि उसका वाले यहाँ पर मौजूद था निकाह? मैंने इसकी पूरी तफ्तीश की है, मैंने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का बयान लिखा है, उसने पूरी मेरी बात को आपने कारी रशीद आप गौर से सुने, कारी रशीद जिसने निकाह पढ़ाया है, क्या उसे आपने पूछा है कि जब आप निकाह पढ़ा रहे थे, आप निकाह फॉर्म पूर कर रहे थे, क्या उसका वालिद वहां पर मौजूद था? जो ये जिसने ये निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ाने के बाद मेरी बात फॉलो करें, उसने ये निकाह यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के पास भेज दिया है, उसने इसको अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया है, रिकॉर्ड में दर्ज करने के बाद उसने ये मुझे तस्दीक करके दिया कि ये निकाह दुरुस्त है। ठीक है, आपकी बात को मैं मान लेता हूँ, निकाह खाने निकाह पढ़ा, निकाह पढ़ने के बाद उसने वो पर्त जाके सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को दे दी, आपने कंप्यूटराइज रिकॉर्ड भी ले लिया, वहाँ पर कंप्यूटर में दर्ज हो गया। ठीक है, एक मिनट में बात सुने, लेकिन आपका क्या ये फर्ज नहीं बनता कि आप जाकर निकाह खान से पूछें कि क्या वाकई तुमने निकाह पढ़ाया था? वो लड़की आकला और बालगा है, क्या उसके दो वकील उसके साथ शामिल थे, उसका वालिद वहाँ पर मौजूद था? क्योंकि वली का वालिद होना जरूरी होता है, आप बताएं वो मौजूद था? सब ये झूठ है, पहले कोई भी निकाह नहीं था, कोई कार्रवाई कुछ कोई मसला नहीं। कौन ब्लैकमेलिंग कर रहा है और कौन नहीं, इसका फैसला देखने वाले बखूबी कर सकते हैं, आगे देखिए। जी आपने बात सुनी, देखिए इस वक्त मुदई भी सामने है, इसके सामने बातचीत हुई है सारी, और आपने मोहम्मद नवाज की भी बात सुनी है, मुदई उसकी किसी भी फाइंडिंग पर तैयार नहीं है, उसकी बात मानने को, वो यही कहते हैं कि वो लड़की जिसको इन्होंने अदालत में पेश किया है वो असल आसिया नहीं थी, बल्कि उसकी शक्ल में किसी और को पेश किया गया है। जो सबसे बड़ी बात है कि यूनियन काउंसिल गौर वाला जहाँ की पैदाइशी लड़की है वहाँ पर उसका इंदराज है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें उसकी उम्र 15 साल है, जबकि इन्होंने निकाह नामा इन्होंने कराया तीसरी यूनियन काउंसिल में। आखिर क्या वजह थी कि उसके अपने जहां पर वो रिहायश पजीर थे वहां पर उनको क्या यूनियन काउंसिल में वो नहीं दर्ज करवा सकते थे निकाह? क्या उनको निकाह खान जो निकाह पढ़ाने वाला शख्स है वो उस यूनियन काउंसिल में नहीं मिल सकता था? क्या जरूरत पड़ी थी कि वो डेरा गाजी खान में जाकर कोर्ट में बयान करवाएं? क्या जरूरत थी कि वो करोड़ में जाएं? ये सारी बातें हैं, अगर पुलिस इस केस को सही तरीके से सुलझाए, सही तरीके से इस पर काम करे और इसमें रिश्वत और जो उन पर इल्जाम लगाए गए हैं अगर ये उसको झूठा साबित करना चाहती है पुलिस तो इस केस को सही तरीके से देखना होगा। मैं डीपीओ भक्कर साहब से गुजारिश करूंगा कि इस केस की असर दो इसकी इंक्वायरी करवाएं और एक ईमानदार ऑफिसर को इसकी इंक्वायरी के लिए होल्ड करें ताकि सही जो मामलात हैं वो सामने आ सकें और एक मजलूम खानदान को इंसाफ मिल सके। मजलूम खानदान को इंसाफ दिलवाने के लिए जुर्म बोलता है कि टीम ने सारे केस की तहकीक की और जब डीपीओ भक्कर को इस सारी सूरत हाल का पता चला तो उन्होंने इस चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया और अब दोबारा से इस केस की तफ्तीश जारी है। अल्लाह करे नया तफ्तीशी अफसर नेक नियति के साथ अपना फर्ज अदा करे।